एवरीवन आप लोग कैसे, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लैंड रजिस्ट्री रूल बिहार में दोबारा पुराने नियम से जमीन रजिस्ट्री होगा शुरू, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बिहार में एक बार फिर से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के से नए नियम को रोक कर दिया गया है। यानी कि जो भी लोग अपने पुराने जमीन को जो दादा परदादा के नाम से था और वो बेच नहीं पा रहे थे, तब उन लोगों के लिए रहता था कि परेशानी, क्योंकि लगातार नए नियम लागू होने के बाद से जमीन खरीद बिक्री तेजी दाम गिर गई थी। इसके बाद से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब सितंबर महीने अगली सुनवाई तक इसे स्थगित कर दिया गया। यानी कि आज से पुराने नियम से जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। तो आप लोग भी करवाना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। आपको बता दें कि सोमवार को वही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार में लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। फरवरी महीने में नया नियम लागू होने के बाद से लोग अपने पुराने जमीन को नहीं खरीदने के जो खरीद पा रहे थे, क्योंकि नए नियम के अनुसार वही लोग अपनी जमीन को बेच सकते थे इसके नाम नाम पर जो है रजिस्ट्री है, यानी कि जमाबंदी है। जमीन रजिस्ट्री पर कोर्ट की सुनवाई, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि जस्टिस पी एन नरसिम्हा जस्टिस अरविंद कुमार खंडपीठ ने अपील करता समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी सिविल पर सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वही अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई अगली तारीख सितंबर माह में तय की गई है। पिछले वर्ष ज्यादा गिरावट आमदनी में भी हुई है। मैं बता दूं कि निबंधन से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल ज्यादा इस साल का गिरावट देखने को मिल रही है। उनके अनुसार जो है विभाग ने वित्तीय 2023-24 के लिए 7000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद मात्र 6170 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष जो है 22-23 के मुकाबले 402 करोड़ कम है। वही करीब 1.30 लाख से भी कम दस्तावेज निबंधित हुए। मैं बता दूं कि जमाबंदी के लिए नियम में 60-70% घट गई है निबंधन। आपको पता होना चाहिए कि बीते फरवरी है महीने से जमाबंदी का निरोधाकरण निबंधन विभाग ने जमीन रजिस्ट्री में 90% से ज्यादा घट गई है, जिसके राजस्व पर भी असर पड़ा। मैं बता लगातार बढ़ते जमीन विवाद को फर्जी निबंधन पर आंकुश लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट का आदेश के बाद बिहार सरकार इससे 21 फरवरी से जमाबंदी का निरोधता लागू की गई थी। इसके बाद से करीब 80-90% तक जो है जमीन की रजिस्ट्री जो है हो रहा घट गया था, जिससे कि आम जनों को काफी परेशानी होती थी और साथ ही साथ सरकार का राजस्व का भी बड़ा चुना लग रहा था। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।